Hello students, welcome in my channel Best Commerce Classes and I am Shivani. This is our new video. तो हमने last video में बात किया, हमने accounting की meaning और definition को समझा और इस video में हम अब attributes या फिर characteristics of accounting को समझेंगे. तो मैं आपको फिर से बताना ये चाहूँगी कि मैं क्लास 11 के अकाउंट्स पढ़ा रही हूँ, जिसके लिए मैंने जो बुक प्रिफर करी है वो है टीएस ग्रेवाल और हमारा अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. ओके स्टूडेंट्स, तो फिर उसी बुक को रेफर करते हुए कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग की हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो हम यहाँ पे ये कहना चाहेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही हमारा चैप्टर आगे लीड करता है, अगर हमारे स्टार्ट के बेसिक पॉइंट्स हमें एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, तो हमें आगे उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती. अब अगर हम यहाँ पे अकाउंटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी मीनिंग से कनेक्ट है. जो मैंने आपको उसमें स्टेप्स, 7 स्टेप्स बताए थे, वही 7 स्टेप्स अब हमारे वो कैरेक्टरिस्टिक्स बन गए हैं. तो अगर वहाँ पे हमें मीनिंग एकदम क्लियर है तो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हमें जस्ट रीड करना है और वो हमारे हाथ में है. ठीक है, तो फिर से हम जो है उनको पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या क्या दिए हुए हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक्स में जो पहला कैरेक्टर, थोड़ा मैंने डायग्राम बनाया है, कुछ कैसा भी मान गया तो इस चीज को आप इग्नोर करिएगा, मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा. पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट्स का आइडेंटिफिकेशन करना. ठीक है, तो इसमें हमने जैसे आपको अपने मीनिंग में ही समझाया था कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जो है हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या नहीं. अगर उसमें मनी में ट्रांजेक्शन हुआ है, यानी अगर हमें परचेज का ट्रांजेक्शन हुआ है, सेल का ट्रांजेक्शन हुआ है, अगर वो विदाउट मनी है, मतलब विदाउट मनी हुआ तो वो हमारा नहीं हुआ. क्रेडिट में भी आ सकता है, अगर क्रेडिट में है तो वो है तो मनी से रिलेटेड ना. ठीक है, वो हमें अभी फॉर अ पीरियड नहीं पेमेंट करना है, थोड़े दिन बाद करना है, बट है तो मॉनेटरी में ना. तो वो इस तरह से हम अपना उसको आइडेंटिफाई करेंगे. अब एक तो मैं बुक को भी रीड कर लेती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग बुक में मेरे साथ साथ देखिए. टी एस ग्रेवाल क्लास 11 की बुक है, 2019 एडिशन है इसका. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं धीमे धीमे पढ़ती हूँ. आपके पास जो बुक है आप इसको समझिए, फिर अपनी बुक से कोरिलेट करने की कोशिश करिएगा, देखिएगा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. मेन हमें बस इसके एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर किसी भी बुक से हम पढ़े हमें समझ में आ जाती है. तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, ये बुक क्या कहती है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली, जो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, ट्रायल बैलेंस हो गया, जर्नल हो गए, ये सारा कुछ, लेजर अकाउंट हो गए, ये सारे उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे या उनके बारे में ही बताएंगे जो मनी के टर्म्स में बात करता हो. ये लाइन ये बोलती है, दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स दैट आर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि ये इसमें ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को जो हम आइडेंटिफाई करते हैं वो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए, मतलब उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए. एग्जाम्पल पे इन्होंने दिया है कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सेल ऑफ फिनिश गुड्स बाय अ फर्म. अगर कोई फर्म परचेज या सेल करती है अपने गुड्स, प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल का, तो ये इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इन्वॉल्व है और ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जो दो पार्टी के बीच में हो उसमें कुछ इकोनॉमिकल हो, मतलब एक प्रॉफिट होना चाहिए या लॉस होना चाहिए, तो ये सब इकोनॉमिक का पार्ट है, तो ये इन्वॉल्व है. तो ये हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ हो गया फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स का. और ये हम इस ट्रांजेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? विद द हेल्प ऑफ बिल्स एंड रिसीव एज एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शंस. ओके, सेकंड हमारा पॉइंट है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन. ये मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन, यानी कि जो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है, फर्स्ट में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हमने ढूंढ लिया, अलग कर लिया, अब हमें उन्हें मेजर करना है. मेजर हम किस में करेंगे? मेजर हम हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में करेंगे, जो हमारी यूनिट होगी उन ट्रांजेक्शन, जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल मान लीजिए हमने, हम हमारा फर्नीचर की शॉप है, हमारे लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? वुड होगा. तो वुड अगर हम एज ए रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो वो हमारा, उसका हमें पेमेंट कैसे? मनी के फॉर्म में तो करना है, करेंसी के फॉर्म में, इंडिया की करेंसी रुपया है तो रुपया, यानी वो हमें मॉनेटरी फॉर्म में, करेंसी में पता होना चाहिए. तो ये हमारा मेजरिंग हो गया. एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं इसको.
Accounting measures the transaction and events in terms of a common measurement unit. कि अकाउंटिंग ये बोलता है मेजर करेंगे ट्रांजेक्शन्स को और किसी भी इवेंट को कॉमन मेजरमेंट यूनिट, कॉमन मतलब कि जो जिस यूनिट को हर कोई माने, हर पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल हो. मतलब अगर हम किसी कंट्री में, उस कंट्री में कॉमनली एक्सेप्टेबल, जैसे रुपया हमारे, हम कहीं पे भी अगर हम साउथ में जाएँ, नॉर्थ में जाएँ, ईस्ट वेस्ट कहीं भी जाएँ, तो रुपया हर कोई मानता है उसको यूनिट करें. ऐसा नहीं है कि हम साउथ में जाके करेंगे तो नहीं नहीं, नहीं यहाँ रुपया नहीं चलता, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, तो कॉमन मेजरमेंट यूनिट दैट इज करेंसी ऑफ अ कंट्री. इन अदर वर्ड, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. ठीक है, कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट मेजर होंगे मनी के टर्म्स में. इन्होंने कुछ नोट भी दिया है, इसमें ये लिखते हैं, एन इवेंट विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. वो इवेंट जो है मनी में नहीं मेजर किया जा सकता है, उसको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड करते हैं. इस लाइन को इन्होंने और एक्सप्लेन किया है एग्जांपल देकर के, जैसे कि लाइक द कैलिबर या फिर क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट टीम. यानी मैनेजमेंट टीम की अगर आपको कैलिबर यानी कि उसकी स्ट्रेंथ पता करनी है या फिर उनकी क्वालिटी को जज करना है, तो ये आपका बुक में, अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये कैलिबर है, स्ट्रेंथ है, ये सब तो उनके जो है ग्रूमिंग का पार्ट हुआ, कितने कैलिबर है, कितना वो काम कर सकते हैं, ये यहाँ पे मॉनिटर के लिए. इसलिए ये कैलिबर हो गया, इनकी क्वालिटी हो गई, ये अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगे. या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजर आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. ओके, अब हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है रिकॉर्डिंग. अब हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया ट्रांजेक्शन का, मेजर भी कर लिया कि हाँ भाई वो रुपये में है, हमारा पार्ट हो गया. अब हमें उसको रिकॉर्ड करना है, जो जो चीज़ें हमने आइडेंटिफाई करी हैं. रिकॉर्ड करने के लिए हमें इसमें बताया गया है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन. अकाउंटिंग एक कला है बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में. किस तरीके से करते हैं वो भी एक आर्ट है, कैसे हमें करना है. ऐसे नहीं कि कुछ भी उठाया और लिख लिया, नहीं, एक प्रॉपर तरीका, एक सिस्टम बताया गया. Recording is a process of recording business transaction of financial character in the book of original entry. Recording is a process of recording business transaction. ये process है business transaction को record करने का, जिसमें financial character है और जिस book में, जिस original book में record करना है, उसका नाम है journal. Okay? यानी कि journal में हम अपनी financial transaction को record करते हैं. Journal को फर्दर डिवाइड किया गया है सब्सिडरीज बुक में, जिसको हम कैश जर्नल या फिर कैश बुक कहते हैं, जिसमें कि हम अपने कैश के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं. परचेज जर्नल या परचेज बुक, जिसमें हम अपनी क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करते हैं. उसी तरीके से हमारा सेल्स जर्नल या सेल्स बुक बनती है, जिसमें हम अपनी क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड करते हैं. क्रेडिट सेल का मतलब या क्रेडिट परचेज का मतलब उधार में खरीदना या उधार में बेचना. तो ये हो गई रिकॉर्डिंग की बात. अब हम बात करेंगे क्लासीफाइंग. क्लासीफाइंग हमारा जो कि फोर्थ कैरेक्टर है अकाउंटिंग का, क्लासीफाइंग में उसको क्लासीफाइड करना, कि हमने अब रिकॉर्ड कर लिया, अब जितनी भी एंट्रीज हमने रिकॉर्ड कर ली है, अब हमें उसे क्लासीफाइड यानी बांटना है कि वो एंट्री, जैसे अगर हमने मान ली परचेज किया रॉ मटेरियल का, ठीक है, तो हमें अब उसको एक रॉ मटेरियल का अकाउंट बनाएंगे, जिसे हम कहते हैं लेजर, जिसमें कि सारी अकाउंट्स की डिटेल्स होती है कि कौन इस लेजर, जब आप लेजर बुक खोलोगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारे अकाउंट दिखेंगे कि ये मटेरियल का अकाउंट है, ये फिनिश गुड्स का अकाउंट है, ये हमारा मशीनरी का है, ये प्लांट का है, ये बिल्डिंग का है, ये मिस्टर ए का है, मिस्टर राम का है, ये किसी स्कूल का है, ये रेंट का, ये इतने टाइम्स के अकाउंट खुलते हैं, वो लेजर बुक के अंदर आते हैं. तो वो जो है हमारा क्लासिफिकेशन हो गया. अब जैसे मान लीजिए ड्यूरिंग द ईयर किसी ने फर्म ने प्लांट खरीदा, ठीक है, तो प्लांट पे हम डेप्रिशिएशन भी चार्ज करते हैं. खैर डेप्रिशिएशन अगर किसी कोई फर्स्ट टाइम ये सब पढ़ रहा है तो उसको नहीं पता है, तो आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए और डरिए ना, ये सारे टर्म्स की डिटेल्स आगे के चैप्टर्स में है, तो मैं और अच्छे से वहाँ क्लियर करूँगी. अभी जस्ट एक बिगनिंग है तो हल्के हल्के में स्टार्ट करते हैं. तो जो है क्लासिफिकेशन में, क्योंकि जर्नल पोस्टिंग हुई, जर्नल में सारे एंट्रीज इकट्ठा पोस्ट कर लिया. अब जैसे मान लीजिए कि क्रेडिट परचेज हुई है मिस्टर ए से भी और मिस्टर बी से भी हुई है, तो जर्नल में तो सारी एंट्री एक साथ है. अब हमें उसे क्लासिफिकेशन करेंगे
मिस्टर ए का भी एक अकाउंट बनेगा मिस्टर बी का, तो मिस्टर ए से साल भर में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उनसे कितना पैसा लेना है उनसे कितना पैसा देना है, तो हम मिस्टर ए का अकाउंट ओपन करेंगे जो हमें लेजर बुक में मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से मिस्टर बी का, तो ये सारे की डिटेल हमें लेजर देता है। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन का पार्ट हमारा हो गया, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया, इसके बाद आता है हमारा समराइजिंग। क्लासिफिकेशन हो गया, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स भी बन गए। अब अगर मान लीजिए हमें पूरा कंक्लूजन निकालना है कि हाँ भाई मिस्टर ए से ये ट्रांजेक्शन हुआ, मिस्टर बी से ये ट्रांजेक्शन हुआ, हमने ये प्लान खरीदा, ये मशीन ली, ये वो ये सबके अकाउंट, तो सबके अकाउंट से हमें पूरा क्रक्स नहीं निकलेगा या कहें कंक्लूजन नहीं निकलेगा कि हाँ जो हमारा बिजनेस है वो कैसा रन किया है, क्या पोजीशन है पूरा एट द ईयर एंड की, उसने ग्रोथ किया है, उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ नहीं। तो इसके लिए हमें कुछ समरी रिपोर्ट्स तैयार करनी पड़ती हैं जो जो हमें अपने सिस्टमैटिक मैनर में बताया गया कि क्या सिस्टम है इन रिपोर्ट्स को तैयार करने का। उनके उन्होंने तीन पार्ट में बताए हैं, पहला ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद थर्ड वन इज बैलेंस शीट, ठीक है। ये हमारे फाइनल रिपोर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कि जब हमारे सारे लेजर मेंटेन हो गए, अकाउंट्स बन गया, उसके बाद हम वहाँ से ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस में हर अकाउंट्स का जो भी क्लोजिंग बैलेंस होता है वो उठ के जाता है वहाँ से कि हाँ पूरे साल भर में इनका ये इतना मतलब इनसे लेना है या किसी पर्सन को इतना देना है, तो जो भी क्लोजिंग 2000-4000 जो भी वो सब उठ के ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग होती है। उसके बाद फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इन सब से हमें फिर फाइनल अपनी कंपनी की पोजीशन या फर्म की पोजीशन पता चलती है, ठीक है। तो ये हो गया समरी, यानी कि हम तीन फॉर्म में, तीन स्टेटमेंट्स के फॉर्म में बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा एनालिसिस 6.6 कैरेक्टरिस्टिक्स, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। यानी कि एनालिसिस, अब हमें, हमने जो अपनी स्टेटमेंट्स निकाले अब हमें उनका एनालिसिस करना है, उसको इंटरप्रेट करना है अपनी मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ में। इसमें क्या दिया हुआ एक बार रीड कर लेते हैं। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल डेटा आर कैरीड आउट सो दैट द यूजर ऑफ फाइनेंशियल डेटा कैन मेक अ मीनिंगफुल जजमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। यानी कि फाइनेंशियल, देखिए एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल डेटा से मतलब यही है कि हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस, ये हमारा फाइनेंशियल डेटा है। इनको हम इंटरप्रेट करेंगे, एनालाइज करेंगे, जिससे कि ये हमें एक प्रॉपर मीनिंगफुल जजमेंट निकालने में हेल्प कर सके, डिसीजन लेने में हेल्प कर सके, जो जो हमारे यूज़र है फाइनेंशियल डेटा के, जिनको इनकी ज़रूरत पड़ती है इंफॉर्मेशन की, वो उससे अपनी कंपनी की पोजीशन उससे पता कर सके। दिस हेल्प इन प्लानिंग फॉर द फ्यूचर इन बेटर वे, और यही हेल्प करता है प्लानिंग करने में फ्यूचर को एक सही तरीके में, ओके। जैसे हम कहते हैं ना कि जो हमारा रिपोर्ट कार्ड आता है, हमने एग्जाम दिया, रिपोर्ट इज अ समरी रिपोर्ट, हमारा स्टेटस बताता था कि हमने किस सब्जेक्ट में कितने अच्छे से पढ़ा, किस सब्जेक्ट में कम पढ़ा, फिर हम अपने स्टूडेंट, अपने फ्रेंड्स या फिर अपने टीचर या फिर अपने पेरेंट्स के साथ उसको इंटरप्रेट करते, एनालिसिस करते कि हाँ तुम्हारा ये सब्जेक्ट वीक है, तुम्हें इस सब्जेक्ट में और ज़्यादा मेहनत करनी, या फिर इनमें से ये सब्जेक्ट भी हमें ये डिसीजन लेने में मदद करते कि आगे हमें अपने फ्यूचर के लिए क्या करियर ऑप्ट करना है, क्या चूज़ करना है, ठीक है। देन इसके बाद है हमारा सेवंथ कैरेक्टरिस्टिक्स इस कम्युनिकेटिंग, कि अब हमें जो ये फाइनेंशियल डेटा से हमने इंटरप्रेट किया, एनालिसिस किया, इसको हमें कम्युनिकेट करना है, यानी कि हमें ये मैसेज किसी दूसरे तक पहुंचाना है। किसी दूसरे तक मतलब कि जो इसका यूज़र है फाइनेंशियल डेटा की इंफॉर्मेशन, जिसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि वो कुछ डिसीजन लेने वाला है या फिर अपना कुछ उस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला है, जैसे कि शेयर होल्डर हो गए, है ना, यूज़र ऑफ अकाउंटिंग हो गए, ये सारे लोग जिन्हें इसकी ज़रूरत है, इस इंफॉर्मेशन की, जिसके बेस पे उन्हें डिसीजन लेना, उनसे हम कम्युनिकेट करेंगे। एक बार बुक को भी रीड कर लेते हैं। फाइनली द अकाउंटिंग फंक्शन इन्वॉल्व कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा, कि लास्ट में अकाउंटिंग फंक्शन में इन्वॉल्व है कम्युनिकेटिंग डेटा, फाइनेंशियल डेटा यानी कि बैलेंस शीट हो गया, ट्रेडिंग एंड पीएनएल हो गया, ये सब टू इट्स यूजर, जो भी इसके इसको यूज करने वाले उनके साथ में कम्युनिकेट करना है। द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन must be provided in time and presented to the user so that appropriate decision may be taken at right time.
मतलब कि ये इन्फॉर्मेशन उन्हें सही टाइम और सही प्रेजेंटेशन के फॉर्म में मिलेगी तो वो उनके लिए वर्थ रहेगी, राइट टाइम पे मिलेगी, तो उससे वो सही डिसीजन ले पाएंगे कि उन्हें आगे कैसे प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग समझ लिया अच्छे से। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को भी समझ में आया हो। इन केस कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ आप उसे मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए, जिससे कि मैं और हार्ड वर्क करूं, और एक्सप्लेनेशन और इजी वे में ढूंढूं, जिससे कि मैं आपको और अच्छे से बता सकूं चीज़ें। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने और फ्रेंड जिनको अभी नहीं पता है इन सब के बारे में प्लीज़ उनसे शेयर करिए, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।